टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये आपके सामने जो ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमने नंबर ऑफ रेजिस्टर जो है वो आपके 5 है, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स में। तो जब हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इस रेजिस्टर्स को, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रेजिस्ट सर्किट है, इसको हम इजीली सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको ब्रिज टू ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्रिज टू ब्रिज की आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है, R1 into R4 is equals to the R2 into R3, ताकि आपका बैलेंस सर्किट बने। तो हमें इसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो जो इसके ऑपोजिट, दैट इज R1, दैट इज R4, दैट इज R2, दैट इज R3, ठीक है। तो ये आपके रेजिस्टेंस है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो ये आपके रेजिस्टेंस किस तरह से होंगे, आपके दिस वन इज योर 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस वन इज योर 6 ओम रेजिस्टेंस, दिस वन इज योर 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस वन इज योर 2 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज योर 4 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिव, and these are the branches A and B. Now, अब मैंने आपको बोला हुआ है कि इसके हमने पता करना है कि equivalent balance circuit है कि नहीं है. 4 into 3 becomes a 12, and 6 into 2 becomes a 12. तो it means ये आपका balance circuit है. जब आपका balance circuit होगा, तो आपकी जो central branch जो है, इसमें से कुछ भी current आपका draw नहीं हो रहा होगा. तो हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो आपका सर्किट जो है इस तरह का बन गया। तो इसको हम सिंपल सर्किट में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इट बिकम्स लाइक दिस वन, दीज आर द नोड्स ए एंड बी, 3 ओम, दिस वन 2 ओम, this one 6 ohm, this one and 4 ohm, this one. So it becomes a simple circuit. अब ये आपके पास ये सीरीज में आ गए। जब आपके सीरीज में आए, तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है आपका एड होता है। तो इसको हम दोबारा से और इजिली कर देते हैं। तो ये आपका 3 ओम था, इससे आपके पास इक्विवेलेंट किस तरह से बन जाएगा, इट बिकम्स अ 3 + 2 5 ओम, 6 + 4 10 ओम, ठीक है। अब ये आपके पास पैरेलल में आ गए। तो जैसे ही ये आपके पास पैरेलल में आ गए, तो आप इसमें कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बनाने के लिए 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। तो आपके पास ये 1/इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5/1/10। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 R इक्विवेलेंट बिकम्स 15/50, ठीक है। तो हमने R इक्विवेलेंट निकालना है। जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R equivalent becomes a 50/15, it becomes a 3.33. This one is the answer.